जशपुर जिले के कुनकुरी विधायक और संसदीय सचिव यूडी मिंज ने शासकीय स्कूलों में जाकर छात्राओं को साइकिल बांटी और भूपेश सरकार के शिक्षा नीति और योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी नई साइकिल पाकर काफी खुश नजर आई। क्षेत्र के दौरे पर रहे संसदीय सचिव यूडी मिंज ने कोरबा, बहरी और कुनकुरी शासकीय कन्या हाई स्कूल में 257 साइकिल बांटी। इससे पहले स्कूली छात्राओं ने नमूना बनो युवा समय के प्रेरक गीत के साथ मुख्य अतिथि विधायक यूडी मिंज और जिलाध्यक्ष सागर यादव समेत अन्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान कुनकुरी विधायक और संसदीय सचिव मिंज ने एक छात्रा की साइकिल में बैठकर साइकिल की मजबूती भी जांच की। इस बीच उन्होंने स्वयं को बच्चे बच्चियों की तरह व्यवहार करते हुए हंसी ठिठोली और छात्राओं के साथ सेल्फी लेते हुए वो नजर आए। मिंज की इस प्रकार की कृति से वहां उत्साह का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में कुनकुरी विकास खंड शिक्षा अधिकारी SR साव समेत सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो आज यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? साइकिल मिल रहा है। कौन दे रहा है? सरकार के साथ मिल रहा है। तो ये योजना आपके लिए फायदेमंद है? हाँ। अब आप साइकिल से क्या करेंगे? आना जाना कर सकेंगे। सहूलियत होगी। आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा? जिन लोगों को जिसके पास बहुत दूर होंगे वो साइकिल से आना जाना कर सकते हैं, ताकि उन लोग ज्यादा पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। सरकार अच्छा हम लोग साइकिल दे, मैं इससे खुश हूँ। खुश हो? अच्छा लगा। बचपन की याद ताजा हो गई। हम लोग बदमाशियां भी ऐसी किया करते थे। अच्छा लगा। और वाकई एक बहुत अभिनव योजना है हमारी सरकार की। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कोई वर्ग विशेष के लिए बल्कि सामान्यतः सभी के लिए योजना को लागू किया है, जिसमें वो भेदभाव की भावना इनमें ख़त्म होगी और उन्हें एक मिलजुल के साथ में आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। और पढ़ाई में निश्चित तौर पर समय की भी बचत होगी और साइकिल्स की क्वालिटीज भी अच्छी हैं। तो एक अच्छा संदेश है और बच्चों के लिए भी, हम लोगों को भी बोलते कहते बनता है। हमारे बीच में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज सागर यादव जी और अजीम जी जो यहाँ के नगर पंचायत के, उन्होंने भी अपनी समय की स्कूल की जो दिक्कत समस्याएं परेशानी थी, किस तरीके से वो स्कूल आते थे उसको उन्होंने बताया कि 12 किलोमीटर पैदल चल के जिम जी जाती थी। ठंड के समय में पन्नियां पैर में उन लोग बांध के जाते थे कि ठंड ना लगे करके। तो और उसके साथ ही साथ अभी जब सभी बच्चियों को साइकिलें दी जा रही हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी, समय की बचत होगी।